गाइज वेलकम टू द एंड लाइट थ्री सिक्स नाइन है रो कैसे आप सभी आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे सो so गाइस सबसे पहले तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया थैंक यू सो मच गाइस और आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स पे ठीक है तो देख लेते हैं क्या आते हैं एनर्जीज़ पास्ट प्रेजेंट एंड फिर हम देखेंगे आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं बट यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट देखेंगे प्रेजेंट देखेंगे और इनकी फीलिंग्स देखेंगे ठीक है आपकी पास्ट आपका पास्ट देखेंगे और आप दोनों का ही प्रेजेंट देखेंगे और फीलिंग्स फिर उनकी देखेंगे आपके लिए पास्ट इसलिए देखेंगे ताकि आप रेजोनेट कर पाओ इस रीडिंग से क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है तो उसके लिए पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच खाना बहुत ज़रूरी है अगर पास्ट भी नहीं तो प्रेजेंट मैच होना चाहिए प्रेजेंट नहीं तो पास्ट मैच होना चाहिए तभी कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे सो शुरू करते हैं रीडिंग को ठीक है और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में ओके बी पॉजिटिव गाइस सो पहले मैं देखूंगी आपकी पास्ट की एनर्जी ठीक है और फिर मैं देखूंगी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देन फिर मैं देखूंगी आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स ओके सो सबसे पहले तो पास्ट देखना है मुझे ओके okay, रुको अभी शुरू करते हैं ये क्या हो गया बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शफलिंग में आई फील कि आपके भी रिलेशनशिप में इसी तरीके की चैलेंजेस हैं सब कुछ ठीक चलता है ये देखो पहला ही कार एट ऑफ स्वाद सब कुछ ठीक चलता है बट फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर ठीक चलता है फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर कुछ लोग हैं जो टांगे अड़ाते रहते हैं बीच में बार बार आके उनको समझ में ही नहीं आता ओके देख लेते हैं क्या आते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी एस ऑफ स्वाद्स क्वीन ऑफ कप्स हाँ जी तो आप बहुत ही इमोशनल रहे हो पास्ट में अभी का हमें नहीं पता अभी प्रेजेंट का नहीं देख रहे हम पास्ट देख रहे हैं बड़े इमोशनल रहे हो और ऐसे किसी इंसान के चक्कर में फंस गए जो कि झूठा बहानेबाज और कभी रुकने वाला नहीं था ठीक है ऐसा कोई पर्सन जो कि झूठ बहुत बोला है जिसने और हम कभी स्टेबिलिटी नहीं लाया इस रिलेशनशिप में और आप हमेशा स्टक ही रहे हो इस रिलेशनशिप में रोए हो परेशान रहे हो अपनी तरफ से एफर्ट डाले बट उसका क्या फ़ायदा अपनी तरफ से एफर्ट डालने का जब सामने वाला ही बैलेंस नहीं है कहीं कही ना कहीं जब सामने वाले ने ठीक है आप हर चीज़ को सहने के लिए रेडी थे इस रिलेशनशिप में हर चीज़ को आप क्योंकि बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए थे उस पर्सन से आ, और हुआ यू कि एक एक लिमिट होती है ना इंसान की वो क्रॉस हो गए कहीं ना कहीं पास्ट में एक लिमिट होती है कि कितना सहेगा इंसान ठीक है एक महीने दो महीने दो तीन साल चार साल पाँच साल दस साल बट एक टाइम पे जाके तो लगेगा कि बस भाई अबोर्ड नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने लिमिट क्रॉस कर दी कहीं ना कहीं कि झूठ बोलने की और चीज़ों से बातों से भागने की ठीक है लिमिट क्रॉस कर दी कहीं कही ना कहीं और वही उसी के बाद में आपने अपना रास्ता बदल लिया आपने सब कुछ क्लियर कर दिया और आपने अपनी तरफ से ही किया है ओके कभी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिली नहीं आपको हमेशा स्टॉकी रहे हो परेशान रहे हो और रोए बहुत हो आप और एक दिन आपने गलती से सुन ली अपनी इंट्यूशन की इंट्यूशन ने बोला भाई सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ो क्या रखा है इसमें आपने सब कुछ क्लियर कर दिया अपनी तरफ़ से ये आपका पास रहा है ठीक है ऐसा कुछ मुझ रहा है आपने बिल्कुल ही जड़े ही ख़त्म कर दी उस परेशानी की <laughs> मतलब कि आपने अपनी तरफ से ब्रेकअप कर दिया हालांकि इमोशनल बहुत थे बट मैं ये बोलूँगी आप बड़े स्ट्रांग हो इतने इमोशन्स होने के बाद में भी आपने अपनी ये बंदिशें खत्म कर दी बंदिशें ऐसी कि जबरदस्ती मैं ये बोलूँ कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे थे आप लॉयल रह रहे थे इस रिलेशनशिप में आप जैसा ये कह रहे थे वैसा कर रहे थे बट ये तो बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह थे इनको तो आ, कोई ही नहीं थी ऐसा कुछ मुझे आपका पास दिख रहा है देन आपने लास्ट में मानी अपनी दिल की बात और सब कुछ खत्म कर दिया मतलब कि क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि भैया मुझे नहीं रहना इसमें आई फील ऐसा मुझे लग रहा है ठीक है अभी प्रेजेंट में देख लेते हैं आपके पार्टनर की भी देखेंगे आपकी भी देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट की एनर्जी आपके पार्टनर की देखूँगीवर्स ओके किंग ऑफ स्वात्स टेम्परेंस ओके ओके okay. देखो प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं आपसे प्यार तो करते हैं बट थोड़े से रूड तो है यहाँ पर ईगो तो है इनका ठीक है बट प्यार करते हैं या फिर मैं बोलूँ किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और इतना इजी नहीं होगा आपके लिए भी ये छोड़ना और ना उनके लिए ठीक है ऐसा मुझे दिखना है प्रेजेंट की सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है मुझे कि आपके पार्टनर सब कुछ बैलेंस में करना चाहते हैं ठीक है थीके? और फीलिंग्स कुछ ऐसी है कि ये आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी ठीक है ये आपको शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स बट इनके दिल का हाल बताऊँ मैं आपको प्रेजेंट पे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ख़ुद को दूर नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जो आप दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये उनसे दूर नहीं भाग पा रहे हैं और बट ये शॉप ही नहीं कर रहे है। अपनी फीलिंग्स बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं <laughs> मतलब अपनी ईगो जो है ना उस उसके चक्कर में मतलब अपनी ईगो को नहीं आने दें मतलब ईगो पे कोई जरासी भी ख, खरोश तक नहीं आने देंगे ये मतलब फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं कनेक्टेड फील करते हैं और इनको पता है कि इतना आसान नहीं है आपको भूलना इतना आसान नहीं इग्नोर करना बट उसके बावजूद भी करते हैं अकड़ पूरी है ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी प्रेजेंट में फीलिंग्स बहुत है इमोशंस बहुत है बट अकड़ है यहाँ पर ओके दी एम्प्रेस स्ट्रेंथ एंड एक और कार्ड चाहिए मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी थी आप नर्स हो डॉक्टर हो या फिर हीलर हो आप हीलर नर्स और डॉक्टर हीलर ही तो होते हैं मैरिड <laughs> uh, हो सकते हैं कुछ लोग तो. ओके okay. बहुत अच्छे मैनिफेस्टेड हो टैलेंटेड हो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप बहुत टैलेंटेड हो और uh, बहुत स्ट्रांग हो अभी आपकी करंट की एनर्जी है कि आप अपनी पावर में हो uh, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी खुशियाँ हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट, कर हैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें आपकी जिन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टैलेंटेड हो अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं पहचान रहे हो और आप ना आपका नेचर बड़ा ऐसा है कि अगर कोई अजनबी भी आपको मिलेगा ना तो आप उसको भी ऐसी ट्रीट करोगे जैसे कि कोई बहुत पहले से आप जानते हो मतलब आपका नेचर ही ऐसा है आप बहुत काइंड हो ठीक है आप सबको ना एक मदर होती है ना मदर जैसे केयर करती है लाइक वैसे आप सबकी केयर करते हो ठीक है आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि आ, आप अपने अपने साथ साथ आपसे जुड़े हुए लोगों को भी यू you नो know, केयर कर रहे हो आप उनकी उनको भी संभाल रहे हो ठीक है और आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टर हो आप अपने टैलेंट आप कुछ न्यू सीख रहे हो कुछ नया सीख रहे हो आप अपनी लाइफ में आई फील कि कुछ तो है यहाँ पर आप कोई एक ऐसी चीज़ सीख रहे हो आ, जो कि आपकी लाइफ आपको लगता है आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी उससे जो भी चैलेंजेस हैं ना वो बहुत कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है या तो आप ऑलरेडी एम्प्रेस हो या फिर आप एम्प्रेस बनने की जर्नी में हो प्रेजेंट में लाइक या तो आप वो काम कर रहे हो जो आपके लिए बना है ठीक है या फिर आप, आप उसी उसी जर्नी में हो आप सीख रहे हो और आप एक टाइम पे जाकर के एम्प्रेस बनोगे कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता है ओके okay. टैलेंटेड हो भैया आप बहुत आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ टैलेंट्स बहुत हैं आपके अंदर बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है अगर पहचाने नहीं हो तो पहचान लो ठीक है और मुझे तो लग रहा है यहाँ पर पहचान चुके हो आप काम उन्हीं पे कर रहे हो आई फील और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो पास्ट के पास्ट से बहुत चेंज हुए हो आप पास्ट में तो बड़े ही इमोशनल थे बट यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग हो बहुत स्ट्रांग आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना उसको भी आप अपने दिमाग से बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हो अपने कंट्रोल में कर लेते हो और सिचुएशन को पहले आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे पहले आप खुद ही बंधे हुए थे बट आप अब आज़ाद हो अब आप, आप कहीं कही ना कहीं उस एनर्जी में हो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं है कि आने दो कोई प्रॉब्लम को हम देख लेंगे ऐसा भी नहीं है आपकी एनर्जी है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम भी है तो कोई नहीं रोना नहीं है डरना नहीं है परेशानी होना दिमाग से इसको सुलझाना है इसका उपाय ढूंढना है इस एनर्जी में हो आप अभी करेंटली वेरी नाइस अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के वैसे तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है ये फीलिंग्स तो बहुत है बट क्या क्या फीलिंग्स हैं वो देख लेते हैं ठीक है लेट्स सी एट ऑफ कप्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ वॉर्न एक और कार्ड चाहिए द वर्ल्ड ओके करंट की एनर्जी कुछ इस तरीके की है टैन ऑफ पेंटिकल्स ओके करंट के कुछ ऐसी एनर्जी से देखो इस आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये खुश नहीं है बिल्कुल भी खुश नहीं है ये बहुत उदास है परेशान है ठीक है इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना और इनका सोचना ये है कि काश अगर मैं ढंग से रह लेता रह लेती इक्वल होता सब कुछ तो लाइफ कुछ और होती ठीक है और आई फील कि इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में और इनकी तरफ से बैलेंस नहीं कर पाएंगे ये भी कही न कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है ठीक है और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं इनकी लाइफ में ये भी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं दूसरा आपको मैं बता दूं कि आपके लिए कुछ अलग फीलिंग्स हैं इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है और आई फील इसके बारे में इन्होंने आपसे जब आप साथ थे तब कुछ बात भी की होगी ठीक है या ऐसा रिलेशन बनाने की बात की होगी या फिर ऐसी फ्यूचर के बारे में बात की होगी कि हमारा होगा तो ऐसा होगा रिश्ता ठीक है अट्रैक्शन तो बहुत रही है आपको लेकर के मतलब अभी है करंट की बात करें ना हाँ अट्रैक्शन तो बहुत है आपको लेकर के ठीक है यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है पैशनेट है बहुत ज़्यादा ठीक है एक फिज़िकल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैं क्लियरली बोल रही हूँ ये भी ठीक है द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके साथ घूमना चाहते हैं ठीक है आ, या फिर मैं बोलूँ आपने जो साथ वक्त बिताया ये उसको बहुत याद करते हैं और ये चाहते हैं आपके साथ कहीं घूमने जाना ठीक है आ, ये चाहते कि आप दोनों फिर से मिलो ठीक है ऐसी एनर्जी है यहाँ पर ये चाहते हैं आप दोनों फिर से मिलो इक्वल गिव एंड टेक हो और ये ये अकेलेपन की एनर्जी से छुटकारा मिले ये परेशान है इस एनर्जी में उदास है आपके बिना उदास हैं इनको खाली खाली सा महसूस होता है ठीक है तो ये चाहते हैं दोबारा से आप दोनों मिलो घूमो फिरो वही मस्ती रहे और इस बार इक्वल चाहते हैं ये मतलब अभी देना चाहते हैं पहले ले रहे थे ना अभी देना चाहते हैं इनकी एनर्जी ये है कि मुझे भी अपनी तरफ से कुछ देना है ठीक है ओके लेट्स यहाँ से देखते हैं एक बार जब एनर्जीज की बात हो रही है तो यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ ओके फिफ्थ चक्रा सेवेंथ चक्रा इन डिसीजन द टेम्पल पाथ ओके मैं आपको एक और बात बताती हूँ इनके बारे में uh, ये चाहते बहुत कुछ है जो मैंने अभी बताया वो सब कुछ चाहते बट फिर भी कंफ्यूज है कंफ्यूज क्यों है ईगो है इनका जो प्रेजेंट की एनर्जी हमें बता रही थी ईगो है ईगो की वजह से कंफ्यूज है जाया जाए अपनी तरफ से नहीं जाया जाए और ये वही सवालों के जवाब भगवान से पूछो भगवान बताओ कि जाया जाए या नहीं जाया जाए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूनिवर्स से आपको लेकर के इस रिलेशनशिप को लेकर के जो ये पूछ रहे हैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूँ थोड़े से परेशान है डिसीज़न नहीं ले पा रहे और डिसीजन के लिए ये सहारा ले रहे हैं भगवान का ठीक है यूनिवर्स का एंजल्स का हायर सेल्फ का <coughs> देखो ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ चक्र है ये थर्ड चक्रा के बारे में बात करता है ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपको शो करना चाहते हैं बट करे कैसे करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ईगो है इनका और ईगो की वजह से ये इनडिसीज़न है मतलब कंफ्यूज है कि जाऊँ ना जाऊँ या अपने ईगो पे ही अड़ा रहूँ या अड़ी रहूँ ठीक है ये है यहाँ पर प्रॉब्लम और आ, कोई बात नहीं होता है सबके साथ होता है ऐसा ईगो को तो छोड़ना पड़ेगा आई आई थिंक पहले भी ईगो की वजह से पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं अभी भी वही ईगो है फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं इतनी सारी डिज़ायर्स हैं बट बताना नहीं चाह रहे क्योंकि अगर ये खुद की तरफ से आपकी तरफ आते हैं तो इनको लगता है कि दब करके रहना पड़ेगा ठीक है ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप पे पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और ये आ, आपको देखते हैं उन चेंजेस के साथ आपको देखते हैं और कहीं ना कहीं इनको फिर थोड़ा जेलस भी फील होता है कि भाई ये ये क्या खो दिया मैंने ठीक है पहले आपको ये मानते हो कि तो बड़ी इमोशनल है ये तो छोटी छोटी बातों पे रोज आती है या रोज आता है ये तो बड़ा इमोशनल है ये तो आम, समझदारी नहीं है बात ये थी कि आप दिल से सोचते और प्यार करते थे इनसे बट इनकी सोच ये थी कि ये तो भाई आम, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है तो रोता ही रहता है रोती ही रहती है बट कहीं अब जब आपको अब देख रहे हैं तो इनको फिर लग शौक लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया ठीक है ये ये इतना चेंज कैसे आ गया ऐसी एनर्जी है यहाँ पर तो भाई ठीक है जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो करते रहो <laughs> ठीक है, करते रहो जो कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो <laughs> <laughs> मिस्टिसिज्म इलाइटनमेंट एन इंस्टेंट वही वही है यहाँ पर रीन्यूवल न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं ये बट वही है यहाँ पर क्यों ना जहाँ पर देखियो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं इन्लाइटनमेंट का कार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि ये इनलाइट uh, हो रहे नहीं कि पूछ रहे हैं क्वेश्चन जो जिस तरीके की एनर्जी है ना यहाँ पर ये यह पूछ रहे हैं जाऊँ कि ना जाऊँ या फिर चुपचाप यहीं बैठा रहूँ लाइक like, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं ठीक है थीके? और फीलिंग्स हैं बट ईगो भी है ईगो है यहाँ पर जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा बट ये चाहते तो है न्यू बिगनिंग गिल्ट भी है न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ ओके okay, कोई बात नहीं <laughs> आ, आपके लिए मैं देख लेती हूँ ठीक है आपको क्या करना है आपके लिए मैं एक बार देख लेती हूँ आपके लिए क्या ठीक रहेगा आपके लिए क्या गाइडेंस होगी थावर सेवन ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स ओके क्लियर है आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं गाइस आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है न्यू लव हो सकता है ऑफ़र्स आ रहे हैं बट पास्ट को लेकर के आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर आप कंफ्यूज हो क्योंकि अभी भी आप कनेक्टेड फील करते हो अपने पास्ट से और इसी वजह से आप न्यू ऑफ़र्स को नहीं देख रहे हो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि न्यू ऑफ़र्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो जब आप मूव ऑन कर चुके हो ठीक है या तो फिर कन्फ्यूज़न किस बात की आई फील कि आप भी अपने पास से निकल तो आए पर पूरी तरीके से नहीं निकले हो यादें कहीं ना कहीं अभी भी आती है क्योंकि आ, जैसे कि मैंने बोला कि इतना इजी नहीं है आपका यहाँ से मूव ऑन करना क्योंकि एक स्पिरिचुअल है कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ साइकिल है आपका इनके साथ आ, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का भी कार्ड था तो कुछ ना कुछ तो है साइकिल बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए नए ऑफ़र्स की तरफ ठीक है मुझे ऐसा लगता है क्या आपको नए ऑफ़र्स की तरफ़ ध्यान देना चाहिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप न्यू ऑफ़र्स के ऊपर अपना फोकस लगाते हो तो अभी तो ठीक है क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए और हम यहाँ से देख लेते हैं पापा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ठीक है कट क्लियर एंड कैंसिल हारमनी एंड बी एज आर टिफ कलर है बिल्कुल फेज द पेन यहाँ पर क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को भूल जाओ कट क्लियर एंड कैंसिल कर दो जो भी मेमरीज हैं जो भी दर्द है जो भी तकलीफ है उनको हटा दो अपनी लाइफ से और पीस क्रिएट करो अपनी माइंड बॉडी और सोल में अपने इमोशंस को कंट्रोल करो अपने यस अपने इमोशंस अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करो पास्ट को कैंसिल करके पास्ट को भुला करके अपने मन और मन में शांति दिमाग में शांति क्रिएट करो ठीक है और अजर्टिव रहो बी अजर्टिव अजर्टिव रहो ठीक है सब कुछ अच्छा होगा और uh, यस yes, ये आपको बाबा यहाँ पर गाइड कर रहे हैं ओके सो थैंक यू सो मच गाइस ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग आई होप आप से रेजोनेट की हो अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बाय